हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉ माइंस आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है विल्स और आज हम जानेंगे कि क्या विल की डेफिनेशन है क्या इसके एसेंशियल फीचर्स हैं क्या डिफरेंट काइंड्स होते हैं इसके और क्या एक विल को रजिस्टर कराना ज़रूरी है इंडिया में द इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 के अंदर कंसोलिडेट करे गए हैं सारे लॉज रिलेटेड टू द इंटरस्टेट एंड कस्टमेंट्री सक्सेशन But only for Hindus, Buddhists, Sikhs, and Jains, and it does not govern the Muslims who follow their own laws for property distributions. According to Section 2 of the Indian Succession Act, will means the legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है कि विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो टेस्टेटर यानी जो कि विल बना रहा है वो अपना इंटेंशन डिक्लेयर करके जाते हैं मरने से पहले कि उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन उनके एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए विल एक लीगल डिक्लेरेशन है और जिस भी डॉक्यूमेंट को एक विल या टेस्टमेंट कहा जा रहा है वो लीगल होना चाहिए मतलब कि वो लॉ की कन्फर्मेटी में होना चाहिए साथ ही में वो एक ऐसे पर्सन के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए जो कि लीगली कम्पिटेंट है एक विल बनाने के लिए विल के थ्रू एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को पास ऑन कर सकता है उन लोगों से या फिर उस इंसान पे जिसको वो चाहे अपने मरने के बाद एक विल सिर्फ टेस्ट के मरने के बाद ही इन्फोर्सबल हो सकती है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज़ नॉट कंपल्सरी ऑल्सो इन नारायण सिंह वर्सेस कमला देवी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट मेयर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल कैन नॉट ड्रॉ एन इंफ्लुस अगेंस्ट द दस ऑफ द वि हावेवर यह एडवाइजेबल है कि आप अपने विल को रजिस्टर करा लें ताकि बाद में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या एसेट्स हो उसमें कोई दिक्कत ना हो रजिस्ट्रेशन एंश्योर द वि सेफ्टी एंड प्रिवेंट टाउ एवर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से कोई भी विल इम्यून नहीं हो जाती कि उसको कोर्ट में चैलेंज ना करा जा सके एक रजिस्टर्ड विल को भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड पहला ग्राउंड है द टेस्टेटर्स कॉम्पिटेंस सबसे एक प्राइमेरी ग्राउंड जो कि देखा जाता है किसी जब विल को चैलेंज करा जाता है वह है कि जो टेस्टेटर यानी कि जिस जो विल बना रहा था वो कम्पिटेंट था या नहीं था मैंटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द विल द कोट एसेज द टेस्टेटर हैड द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टेंड द इम्प्लिकेशन ऑफ द विल कॉम्प्रीहेंड द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड रिकोगनाइज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन दूसरा जो ग्राउंड है किसी रजिस्टर्ड विल को चैलेंज करने का वह है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है जो देखा जाता है अगर मान लीजिए जो टेस्टरेटर है जब उन्होंने विल बनाई थी तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को किसी तरह अनड्यूली इन्फ्लुंस करा गया हो या कोई एक्सटर्नल प्रेशर बनाया गया हो उनको ऐसी विल एग्जीक्यूट करने के लिए तो ये एक फिट ग्राउंड है जिसकी वजह से आप विल को चैलेंज कर सकते हैं और द विल में इवन बी डीम्ड वाइड तीसरा जो ग्राउंड है किसी रजिस्टर्ड विल को चैलेंज करने का वो है इफ देर आर सस्पिशंस ऑफ फ्रॉड और फॉर्जरी इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट देर आर सर्टेन एविडेंसेस जिससे कि ये पता चलता है कि जो विल के कंटेंट्स हैं उसमें मैनिपुलेशन या फिर फॉल्सिफिकेशन हुआ है तो ऐसे सिनेरियो में ऑनरेबल कोर्ट जो विल के जो सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको ही इनवैलिडेट कर सकते हैं दैट्स ऑल फॉर टू डेज वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज ऑनली ऑन लॉ माइंड्स